भाई साहब, ये अवस्थी जी कहाँ रहते हैं? आगे से दाएं मुड़ जाना। हम तो अभी कछु एक साल पहले ग्वालियर से जहाँ आए और जहाँ हमें अपने आसपास के पड़ोसी भी मिल गए। क्या बात? तो पूजा पाठ अर्थी कफन दफन की दुकान खोल ली जम गयो। तो भाई साहब, जहाँ के लोगों का प्यार देख के हम तो जही बस गए। अरे वाह, जहाँ के लोग बहुत मीठे हैं। ओह, तीखी तो यहाँ की बिरयानी होए, हरी मिर्ची वाली। अरे आपका घर दिखा के ही पेट भर दे के कछु लाओगी भी? रहने दीजिए भाई साहब, क्यों परेशान हो रहे? ये बात तो सही कही शुक्ला जी, तकलीफ तो होवे है। अजी रहने दो, रजी मना कर दे। जेते ऐसे ही ठट्ठ मजाक करे। चलो बेटा। हाँ जी आंटी। चलो समधी जी। हाँ जी आंटी। वाह वाह। समधन जी। लीजिए। चाय बस अभी बन रही है। जी जी। और मोड़ा, तुम तो आए हो लंदन से, तो तुम्हारे लाने हमने हरी चाय बनाई है। अरे भाभी जी, हरी बनाओ चाय काली चाय? भाई चाय तो पियेंगे हम लड़की के हाथ से। आप तो लड़की को बुला दो। का बेटा? बस अभी लेकर। ये देखो मौसी। ये रूपाली कैसे कनाडा के फोटो पे फोटो चिपका रही है इंटरनेट पे? जाके बाप ने कनाडा के चक्कर में 30 लाख भेज दिया हो, तब कटा कनाडा का टिकट। आई उनकी टिकट तो कट गई, पिन तो माय दादा, वो तो झंड फकीर है। फकीर है तभी तो चंदन लगा लगा के लंदन जाने का प्रोग्राम है। जी देख रहे हो, हम आओ रू, हम आओ यौवन। एक ढेला दहेज भी नहीं दूंगी और विदेश में इनसे बड़े में जाऊंगी। लंदन जाऊंगी लंदन, लंदन जाऊंगी लंदन। लंदन तो तब जाओगी ना जब लंदन वाले से मिलने नीचे जाओगी। ले तैयार है जा। काय मौसी, लग रही हूँ ना कातिल? हत्यारा लग रही हो? कूल लग रही हो, कूल अंग्रेजी में। नहीं नहीं मौसी, आई एम तो हॉट। ज्यादा ठंडो गरम से जुकाम है जाए मोड़ी। और सुन, ज्यादा रिजेक्ट मत करो वरना हमारी तरह कमारी रह जाओगी। वो कुत्ते कहानी सुनी है ना, पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी गई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? Am I dog? नहीं, तुम तो बिच्छू ना बेबी। अरे अरे नेक तैयार है जाओ वरना तुम्हारी मम्मी आके कहेगी जी मोड़ी हमारी नाक कटा के रहे। नाक तो तुम कटा के रहोगी मोड़ी। देखो अब हमारी बात कान खोल के सुन लो। जो लंदन अमेरिका वाले 20-25 से कम ना मांगे और हमारी ऐसे 6-7 से ज्यादा की नहीं है। पहले ही दहेज के चक्कर में बहुत से रिश्ते फेल हो गए। अब जो आगरा वाले बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं। अब तुमने कोई नयो परपंच करके जे रिश्ते की मना करी ना। कहा तो मम्मी तुम भी प्लीज करो नेक। जब मोड़ा लंदन ले जा रहा है और हमारे इंटरनेट पे फोटो चिपकाने का सारा प्रोग्राम सेट है तो मना काय करूंगी? सबको पता चल गयी हो कि तुम ब्याह घर बसाने नहीं विदेश घूमने लान कर रही हो। और तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या फकुन लग गई है? हैं? नीचे मेहमान बैठे और तुम यहाँ बतौलबाजी कर रही हो? अरे शांत है जाओ ना जी जी, तुम हर समय छाती कूट के रोती रहो। अरे हम लेके आ रहे हैं उसको, तुम जाओ। चलो जाओ। ए जय, कुछ समझाओ अपनी बीते बताओ। जी मोड़ी तो हमारी नाक कटा के रहेगी। हमारा नाम कह ले रही हो? हम लेके आ रहे हैं, चलो ना तुम। ओए, अरे चुप जम्मा तो लो कि नीचे अदनंगे आके अपना ग्लैमर दिखाओगी। ग्लैमर? तुम ये मन मत बढ़ाओ हमारा, लेकर आओ उसको नीचे जल्दी। हाँ। भाई आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी। पर ये एनी नाम विदेशी लगे है ना? ना ना, असली नाम तो अनीता है। पर मौरी को विदेश से ज्यादा लगाव है। बेटा ब्याह के बाद एनी को विदेश तो ले जाओगे ना? अरे आपकी बिटिया की तो छोड़ो, आज तक ये अपने माँ बाप को विदेश नहीं ले गया। अंकल जी, मेरे जॉब में फैमिली को ले जाना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? मतलब हम ना जा सके? नहीं, अब जब जा ही ना सके, अलाउ ही नहीं है,
तो यहाँ आए क्यों? और मौसी तुम नीचे पीला सूट पहना के हमारा डिस्प्ले काहे लगा दियो? और मम्मी तुमने पहली बात नहीं करी कि मोड़ी को विदेश ही जाना है? लाली तुम जबरदस्ती से करन लग रही हो। देखो आंटी जी, बेकार में आप इतनी दूर से आके परेशान है गए, हम और खुद को टाइम भी बर्बाद करते हो और जे खर्चा भी कराते हो। अब जे काजू 1000 रुपए किलो के हैं, हमने तो 3-4 ही खाए हैं। आंटी जी खाए तो आपने 20-25, फिर कोई बात नहीं, हमने मौसी से कही चले भी लाओ, जी रबड़ी भी उठा ले। नहीं अंकल जी खा लो, नहीं नहीं खा लो खा लो, आप तो झूठा भी करते हैं। अरे चलो आपका पूरी उतरवा के जाओगे जे संस्कारी से, चलो। अब तुम भी उठो, नाक कटवाओगे का? चलो। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी पापा बुरा मान गए, पिन तुम मत मानना। जब कंपनी अलाउ कर दे तो वापस आ जाना। या जीजी जे, अरे अब इनकी कोई जरूरत नहीं जीजी, जाने जे रिश्तों भी ठुकरा दो, अब डाको को रणबीर कपूर मिलेगो। अरे 56 मोड़ा साफ कर दिए जाने। ए मम्मी झूठ मत कहो, आज के मिला के 10 ही हुए हैं। तो क्या सनीचरी करोगी तुम हैं? सेंचुरी का है, ज्ञान मत बढ़ाओ तुम हमाओ। अरे हमारी लाइफ है, हमारे भी कुछ उम्मीद है। जाए समझाओ तुम कुछ, क्या हमें तो लागे तुम्हें कुछ उल्टो सीधो समझा रही हो का? तुम हमारे दिमाग में सुई मत गढ़ाओ जीजी, तुम ऐसा मोड़ा काय देख रही हो जो उसको विदेश ना ले जा सके? एग्जाम कैसे की फूफा? ओहो हो, तो हमने तुम्हारे लाने ऐसे रिश्ते देखे देखे फूफा जैसे? तभी तो ब्याह नहीं हुआ हमाओ जीजी, 27 के 27 घंटा। अरे चुप कर जा नीरज। हाय जीजी देखो कैसे कंडम कंडम कह रही है। कंडम कह रहे, कंडम मतलब बर्बाद। अरे तुम भी कुछ खाओ जीजी। आंटी आप क्या ले? देखो देखो। हाँ जे गुजिया लाई। अरे कतई चक मार मौसी। जीजी खा लो कुछ। नहीं नहीं जीजी अब हम चलेंगे, वो ना हमें तैयारी करनी है। हमारी मोड़ा पुष्पिंदर 4 साल पीछे आ रहा है दुबई से। हाय जीजी जे तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। वो हमें तुम्हारी कार भी चाहिए। ए जीजी करते ना हल्की मठी बात, तुम्हारा मोड़ा हमारा मोड़ा नहीं का? चाबी तुम तो लो, कार भी ले जाओ और डिलीवर चाहिए तो इनको भी ले जाओ। अरे नहीं नहीं, नहीं। डिलीवर तो है हमारे घर। अच्छा जीजी अब हम चले। हाँ अच्छा अच्छा। मोड़ा ये तो सूख गए, चिंता ना कर, महीने भर में घी दूध खिला के ना मोटो कर दूंगी। हाँ, हाँ, खा लीजिए भाई, दूध भी खा लीजिए। पहले जा बताओ हमारे ब्रांडेड जूता लाए कि जे बैर भी उल्लू बनाती हो? और हमारा नया फोन वो लाए? नहीं वो भैया हमारा वीडियो गेम। अरे अरे घर तो पहुँचन दो, सारे गिफ्ट को जही खोलोगे का? बड़ा हमारे लाने का लाए? तुम्हारे लाने में आ गया ना मम्मी लंबी छुट्टी लेके। ना 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 ना, लंबी छुट्टी की जरूरत ना है, फालतू में तनख्वाह कटेगी। जाबे मोह ब्याह करा के 15-20 दिन में रफा दफा कर देंगे। 6 साल से ये मंत्र फूक रही हो मम्मी, अब तो मोड़ी ढूंढ लो, जरूरत से लग रही है। तुम जा कुर्ता को ही देखते रहोगे कि अपने फूफा जी से भी बात करोगे? वो मथुरा में वकील की मौड़ी बता रहे ना, फोन कर दो उन्हें। हाँ करता हूँ मैं। ज्यादा दान दहेज का चक्कर में भंडकुआर मत रख दीजिए मोड़ा को। अब जय हेमा को भी ठिकानों देखो, सूद की लानी बढ़ रही है। तो हम कौन सा अपने लिए हुंडी जोड़ रहे हैं, जय हेमा के लाने ही तो इतनी मोटी पार्टी देख रहे हैं पुष्पिंदर की। अब पुष्पिंदर के दहेज में जो आएगा वो हेमा के दहेज में जाएगा, और हाकिम के दहेज में जो आएगा ना तो उससे घर की किस्त पूरी करेंगे, और इक्का के दहेज से आराम की जिंदगी काटेंगे। हाँ पिन बड़ी मम्मी, मैं दहेज नहीं लूंगा, हमारे मास्टर जी कह रहे दहेज लेना पाप होए। अबे छछुंदर दहेज लेने के खिलाफ कछु मत बोल, वरना ब्याह तो छोड़, मम्मी तेरा स्कूल छुड़ा देगी। बड़ी मम्मी मैं दहेज लूंगा,
चेयरमैन। अब ये सब पंचायत बंद करो। अरे लोग आते होंगे नाश्ते पे तुमसे मिलने के लिए। और हाँ सुनो मोड़ा, नहीं ठसक से रही हो, लगनो चाहिए दुबई से लौटे हो। दुबई से तो लौटे लगने का क्या जरूरत है? और जे बार बार दुबई दुबई मत कहो ना, अच्छा नहीं लगता। काय ना बोले, दुबई की नौकरी है, ठाट है तो दिखाएंगे। अरे वरना आजकल की मोड़ी ना बहुत बेशरम हो गई है, घर में मोड़ा को बुला के मुंह पे रिचेक कर दे। सुलभा जीजी की मोड़ी को ही देख लो, कैसी बेइज्जती करी आगरा वालों की। तो मोड़ी ने ये रिश्ता भी ठुकरा दो, पतो नहीं जा मोड़ी को फिर तो कौन काटेगो। बड़ी मम्मी ये फीता का होए? अरे कछु नहीं, तुम खेलो खेलो। वैसे एनी बुरी नहीं है, लेक मुंह फटा है। कौन है जे एनी? दोस्त है हमारी, अवस्थी अंकल की बेटी। अवस्थी अंकल कौन है? 2 साल पहले आए पड़ोस में, बगल वाले बगल में। कैंची की नई जुबान चले उसकी। जीजी ये लो तुम्हारी कचौड़ी। हाँ उतर रख दो। अरे वाह बढ़िया लग रही हो। ए तुम कहीं नहीं चल रही हो? अरे हम अभी तक नहाए नहीं है जीजी, और वैसे भी जाके करेंगे का है? तुम कहोगे मर्द भर भर के काय तुम देख रहे हैं, नाश्ते पे कम हम पे ज्यादा नजर रखोगे तुम? हाँ, तुम रहन दो बेसेंगर साहब, अपनी बीबी मरे पीछे हर औरत से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और तुम कहीं नहीं चल रही? हमने लेप लगा लो। क्या फायदा जी लेप लगाने से, किसको दिखाओगे जे रंग रोगन? ब्याह तो कर नहीं रही। चाल आने नहीं जा रही तुम्हारे साथ, वहाँ भी ऐसी उल्टी सीधी बात करोगी। ए ए बाबा जी लेके जाओ यार इनको। अरे आप चलो भी, तुम माँ बेटी के चक्कर में वहाँ नाश्ता ना खत्म है जाए, चलो। अरे मोड़ा एक एक कचौड़ी खाई, अच्छी नहीं लगी का? नांटी जी बहुत बढ़िया है, बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया कचौड़ी खाने को मिली है। तो लो जे जलेबी भी खाओ, तुम्हारी लान बनाई है एकदम गरम। पुष्पिंदर बेटा, दुबई में जे आलू के पराठे तो नहीं बनते होंगे? जी आलू जो पिज्जा होता है ना, वही होता है दुबई का पराठा। चारी दो प्याजा। नहीं हम अचार नहीं खाते, हमारे पित्त बढ़ जाए उसके बाद खट्टे डकर आए। हमें रख दो अचारी दो प्याजा। प्रभा नहीं आई? वो नेक बिजी है। अब बिना आदमी की औरत भला कहाँ बिजी रहेगी? उसका कुछ मामला जमा? जम जाएगा, बात चले। अब जाओ उम्र में तो बात ही चले, जम है कछु नहीं। तो बेटा कितना कमा लेते हो? जी कमाने का अरे तो कमाई का छोड़िए, वहाँ का जो चपरासी होता है ना, वो भी हमारे यहाँ के अफसरों से ज्यादा कमाता है। ना? ए तुम कतई गूगल है रहे हो, मोड़ा को नायक आराम से खाने दो ना। अरे ये का बेटा पराठा सूखा सूखा खा रहे हो, चटनी नहीं मंगाई? अरे चटनी तो हम भूल ही गए, नेक फोन दे लो। हाँ। कुछ और तो बेटा पुष्पिंदर, इस बार तो तुम ब्याह करके ही जाना, बिना औरत के आदमी की कोई इज्जत नहीं। अरे पानी पानी जल्दी जल्दी। अरे अरे तुम भी ना गले में अटक गया। ए छोटी सुन, चूल्हे के पास लहसुन की चटनी रखी, इन्हीं के हाथ भिजवा देना। हाँ भिजवा देंगे। देख लो
क्या वो शरीफ लोग रहते हैं, लेडीजो के कपड़े सूख रहे हैं और तुम वही मुंह फाड़ के देख रहे हो, कोई लाज शर्म है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे माई गद्दी से नजर चली गई है, आदमी तो सही ही है हम। बाय द वे पुष्पेंद्र त्यागी हेमा के बड़े भाई। अच्छा तो तुम हो पुष्पेंद्र त्यागी, ए तुम तो बड़े चे टाइप के हो। चे काय? हमें लगा कोई दूध टाइप का होगा, रपटदार अंग्रेजी बोलता होगा, जेंटलमैन के जैसे। जेंटलमैन तो है, इसमें क्या शक है? 100% का देख रहे हो? नहीं, हमें लगा तुम किसी ईंट पत्थर पे खड़े हो। हम इतने ही लंबे हैं, का करो तुम तो वही में। अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट? ऑफ कोर्स। ए तुम्हारी मम्मी तो सब जगह कहे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अरे मम्मी की तो तुम्हारा नाम का है? हमाओ। तुम्हारो? हमाओ नाम। और तो कहीं नहीं है तुम्हारो? हमाओ नाम है। एनी अवस्थी, पूरा नाम अनीता अवस्थी। हमाओ नाम इक्का त्यागी और जाको नाम चटनी, दे दू? हाँ कि सर। अच्छा सुन, तुझे लगता नहीं तू गलत टाइम पे आ गई? मम्मी ने सही कही थी, सुंदर थे पिन जबान कैची की तरह चले। अरे हेमा। अरे एनी, तू सब ठीक? सब बढ़िया। कॉलेज नहीं गई? वो आज ऐसे ही। 3 साल की बीए 6 साल में, एक कुछ तो शर्म करो हेमा। हाँ थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा। नाश्ता हुआ? हाँ हो गया। का खाए? वही पुआ जलेबी। अच्छा कहाँ लेकर जा रही हो? जेवर खरीदने जा रहे हैं। जेवर खरीदने? किसी से कहकर काई नहीं आई? अरे मम्मी को तू जानती है, पता चला 4 लाख लेके जेवर खरीदने जा रही हूँ, पूरी बारात भेज देती हूँ। 4 लाख? 4 लाख? 4 लाख लेके आई है तू? देख 4 लाख लेके कोई ऐसे नहीं आए, कोई होना चाहिए ना साथ में। मम्मी मत बोल, चल ब्याह भी करेंगे और जेवर भी खरीदेंगे। पिन तुम्हारे हाथ तब तक पीले नहीं होंगे जब तक तुम्हारे भैया ब्याह नहीं करते। खाओ। सही कह रही है। अरे भैया तो मरे जा रहे हैं, पर मम्मी उनको कोई रिश्ता रास्ता है तब ना। ए तुम्हारे भैया का कोई सेटिंग बेटी नहीं है का दुबई में? वो क्या है ना, हमें भैया सेटिंग के मामले में कमजोर है, और मम्मी को तू जानती है, बर्दाश्त करेगी लव मैरिज? बेचारे तुम्हारे भैया नाड़ा खोल के तैयार बैठे और तुम्हारी मम्मी घाघरे का इंतजाम ही नहीं करी। ओ लाल बत्ती रुक रुक, उसे दोनों यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चलो छोड़ दो। छिछोरा आपको छेड़ रहा है, कहे तो 2 घंटा आप लगाए क्या उतर के? तुम जाओ, आनंद करो, भैया है हमारे, पकड़ो। वो भी रियल? अच्छा आ जाओ, छोड़ देता हूँ। इतनी सुंदर लग रही हूँ, कोई चक्कर कर चल रहा होगा तुम? मतलब लवर सवर प्रेम रेम आशिकी फासिकी मतलब टाइप में। भैया ये पैक करो, आशिकी का चक्कर होता ना तो 4 लाख लेके जेवर खरीदने नहीं जाती पड़ोसी के संग। कहाँ जाती? अब तक आशिक के साथ भाग गई होती। और चम्मा कम हुई ना तो 2,90,000 गले में से निकाल के ले जाऊंगी ब्याज समेत। जी सर। कोई नग है, अंगूठी, स्टोन जो गर्म चीज को ठंडा कर दे? नहीं सर। आए तो बताना। भैया 3 प्लेट पानी पूरी देना। जी लीजिए बहन जी। बहन जी? बहन जी किसको बोला है? बहन जी लग रही तुम्हें? आपने हमें भैया बोल दो तो हमने भी सम्मान में बहन जी बोल दो। सम्मान?
सम्मान से। भैया इनके लिए थोड़ा मीठा लगाओ। जी मीठा का है? क्योंकि तुम तीखी हो, मीठा खाना चाहिए ना। अच्छा तो इनके लिए खट्टा बना दो। खट्टा का है? क्योंकि तुम मीठे बहुत हो। हम मीठे? तीन चार लगाओ। जी भैया हमारे लिए नेक मीडियम। अरे जी खट्टा है जी। ए मोड़ी जी, क्या पूरी दुकान लूट लाए तुम? हैं? कैश कितना बच गया बेटा? पूरे 1,00,000 और बच्चे नहीं बचाए हैं। डिजाइनर लहंगा, डिजाइनर चुन्नी, डिजाइनर पर्स, बहुत डिजाइन बाकी है अभी। बिन मोड़ी 3,00,000 में इतने सारे जेवर कैसे आ गए? अरे जे तो 2,00,000 के हैं और 1,00,000 के जे दो कंगन हैं। 1,00,000 के जे दो कंगन और 2,00,000 के जे हार, जे मटर माला, जे सीता रानी, कंगन, चूड़ी, मंगलसूत्र, पाजे, बिछुआ सब है जी। सब तो टकली है ना, फैंसी टकली। हम जरा दुकान पे होके आते हैं, नए कफन आए हैं। अरे एक हम पे भी उड़ा दो। अरे देख जाओ अपनी मौड़ी के धर्म कांड। अरे दुबार भेजे में 2,00,000 पानी में है? तो असली खरीदने के पैसे हैं हमारे पास। एक दिन पर मौड़ी टकली जेवर लेकर जाओगी अपने ससुराल का? हाँ देखो तो जीजेंगे असली है, कौन चेक करेगा? ना 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 जीजी, ऐसे तो बेइज्जती है जाएगी। जा मैं कहाँ बेइज्जती आंटी जी? असली जेवर लेके जाएंगे तो ससुराल वाले कुंवारी नंदन के दहेज में दे देंगे, तो असली लेके का फायदा? और जे चली भी गई तो इतना दुख नहीं पहुँचेगा ना। चुप कर, लेन देन से संसार चले मौड़ी। जी तो गलत है ना आंटी जी, सरकार भी दहेज के खिलाफ है। हम तो ऐसे घर में ब्याह व्याह नहीं करेंगे जो दहेज मांगे। जे बहुत सही कही काय मम्मी, जे तो सब अपनी अपनी सोच समझ है। अच्छा जी जी चलती हूँ। अरे जी जी चल। अरे जो मोड़े हम आओ जनाजा निकाल के रहेगी। ए छोटी हमें लोग आइट ला के दे। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है? तुम हम आओ ज्ञान मत बढ़ाओ, जाओ लेकर आओ। लाए थे पी गए, दूसरा बना के लाते हैं। हेलो अजी, राम राम। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे जी। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब। ना ना मौड़ी तो ऐसी बिल्कुल ना है, कोई जल्दी नहीं है, आप जरा सोच लो जी आप। अच्छा ठीक है, राम राम। कहाँ है गो? सिंगापुर कैंसिल। अरे पिन जे तो कह रहे थे मोड़ी पसंद है, उसको सिंगापुर भी ले जाने को तैयार थे। कह तो रहे थे, पिन शुक्ला जी ने बता दी कि मोड़ी मुंह फट है और संस्कारी तो कतई नहीं है, पर ब्याह भी विदेश के लाने कर रही है। हो फैल गई बात पूरे एमपी यूपी में। ज्यादा हेडेक मत करो, और रिश्ते आ जाएंगे। तुम्हारे आए बिन ब्याही मोड़ियों की गैंग बना रही हो। शर्मलेस सेमलेस का है। और सुनो, हमने तुम्हारी औलाद को कछुए सिखाई पढ़ा जी जी, बिन बेर बेर दिमाग में सुन गाड़ोगी तो अच्छे से सिखा पढ़ा दे के बता रहे हम। जीजा जी समझा लो अपनी बीवी को। तुम समझाओ ना अपनी जीजी को। हम समझाएंगे, मिला के देंगे। बढ़िया ही। ओ सुनो, हमें लग रहा है ना तुम ब्याह करोगी और ना तुम्हारी मम्मी हमको ताना देना छोड़ेगी। का इतना भाव छोड़ रहे हो? कर रही हूँ ना ब्याह सिंगापुर वाली पार्टी से। तुम आओ सिंगापुर है गो है? ना आगे उते से का तुम्हारे लक्षण पता चल गए उनको और का है? हटो, ये जो विदेश जाने की हवस दिखाओ। लंदन जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी, वो क्लियर कट बता दे तुम्हारा चरित्र। तुम तो हो गए फेमस पूरे यूपी एमपी में, अब हमको लग रहा हो तुमको दिल्ली में नसीब ना हो। ऐसे मत कहो, अगर हमारा ब्याह इंडिया के बाहर नहीं हुआ तो काम वो दिखाऊंगी सहेलियों को। रूपाली और मिताली तो वहाँ खून सुखा देगी, दाने दे देगी। ए मौसी प्लीज, बड़े वाले विदेश में भेज दो ना मौसी प्लीज। बोलो तो फिर इसे पटा लियो। इसकी कह रहे हो?
इसकी कह रहे हो? हाँ मौसी, इसकी सैलरी के दिन खत्म और पेंशन के दिन आने वाला है। इतना बड़ा है मुझसे, इतना फर्क है हमें। क्या फर्क है? है फर्क, है फर्क। हम आसमान की चिड़िया, ये जमीन का मुर्गा। हम व्हाट्सएप जी, टेलीग्राम। हम पास्ता जी, पोहा। हम गुलाब जी, काटा। ए मौसी, नहीं तरस खाओ हमारी जवानी पे। अपनी मौसी की एक बात सुन लो तुम। आदमी और बंदर कितने भी बुढ़ा जाए, पिन गुलाटी मारना नहीं भूलते। पिंजी बिलांग पर छोटा है हमसे, तो तुमने कौन से आम तोड़वाने उससे? पिंजी पड़ोसी है। तो डाकन भी साथ घर छोड़े। अरे जो डाकन कबारी रह जाए, इसे तो अच्छा है कि पड़ोस में ब्याह है जाए। तुम भी तो जाओगी? अरे भाई बात सुन लो तुम, जे मोड़ा अभी ब्याह के चक्कर में घूम रहा हुआ, अगर जे भी हाथ से निकल गया तो फिर बैठी रहना। और सबसे बड़ी बात, मोड़ा भला है। मोड़ा भला है, अम्मा देखी उसकी दान दहेज जपती रहे। और तुमको तो हर बात में परेशानी है, है? अरे एक बार मोड़ा गिरफ्त में है तो फिर अम्मा भी गिरफ्त में। बिन मौसी, इसमें कोई बात नहीं है। तो तुम बात देखो और बाप के घर बैठो। ए मौसी रुको ना, रुको ना। तो क्या करें हम? दाना डालो। आए सुंदर हो, सेक्सी हो, पकैती भी करती हो, कहता नहीं से जवान चले, अदा है जवान हो, समझी? समझी कि मसराम के सोने लिखे तुम्हारे लाने। समझ गई, कोशिश करते हैं। अरे लेकिन जा बीच कोई बढ़िया रिश्ता आए ना, तो यू टर्न ले लूंगी, निकल लूंगी। निकल लेना माँ, निकल लेना। ब्यूटी सर्विस मौसी जी। हाकिम जी, सुबह सुबह बारात कहाँ जा रही है? हैं? आप ही गाड़ी ले जा रहे हैं, आप ही को नहीं पता? अरे भैया के लाने मोड़ी देखने जा रहे हैं मथुरा। मोड़ी पसंद आई तो बारात भी लेके जाएंगे। अरे भैया जल्दी करो, गाड़ी में भूकंप आ गया। आगे बैठो। हाँ, चलो। अरे हमारी शुगर की दवाई कौन देगा? अरे हाँ, इनकी दवाई भी अब कौन देगा? हाकिम हे। अच्छा जीजी, हम ही उतर जाएं। ठीक है, तुम ही उतर जाओ, इनकी दवाई भी ना। चाची रहने दो, तुम्हारा भी जाना जरूरी है। दवाई तो है, हम दे देंगे। अरे बाजी तो बहुत बढ़िया। अरे वो जो काली पत्ते वाली दवाई है ना, वो खाने के बाद देना। हाँ। जो हरी पत्ते वाली दवाई है ना, वो खाने से पहले देना। और वो जो पीली और गुलाबी वाली दवाई है ना, वो जब मन में आए तब देना। अब चले, समझ गई ना? अच्छा मोड़ा और बोलने वाला तोता, बड़े जल्दी हाथ से निकल जाए। नहीं तुम इतना ज्यादा भाव खा रही थी इसके लिए, है? नहीं नहीं नहीं, ले ये भी निकल गया हाथ से। अब तुम दुबई छोड़ो और दवाई दियो दादी को, जाओ। एक बात बताए मौसी, तुम भी कोई कम कुत्ती चीज नहीं हो। ये थप्पड़ देंगे। Thank you.
हफ्ते का पड़ा जी। बेटा इनके कहने का मतलब है कि कहाँ तक पढ़ी हो जी? LLB पढ़ रही हूँ। अच्छा तो डॉक्टर बन जाओगी? हाँ नहीं आंटी जी, वकील। LLB से तो वकील ही बने ना। अच्छा तो डॉक्टर कैसे बने? अरे डॉक्टर तो MBA से बने बहन जी। अरे राम, हमसे भी ना गलती है गई। इनको तो ठट्टा करने की आदत है। लल्ला आप हमारी लारी के साथ आपस में बतिया लो कहीं बाहर जाके। अरे आप शर्मा कह रहे हैं, आप तो दुबई से आए हैं। आप लेडीज हैं तो पहले आप। ठीक है। हम बात शुरू करने की कह रहे हैं। ओह हमें लगा कि आप खाने की कह रहे हैं। नहीं नहीं आप पहले खा ही लीजिए। ठीक है। आपको जलेबी पसंद है जी? समोसा पसंद है जी? हम पसंद है जी। जी पब हम आपको पसंद है। देखिए जी, पसंद ना पसंद की बात तो जाने ही दीजिए। आप लड़की हैं, हम लड़के हैं, ब्याह के लिए काफी है जी। जी। से इस वक्त हमको मिल रही है हाथियों का आतंक। इन दिनों प्रदेश के कई। मम्मी उनका सोफा देखा कितना बड़ा? उनके घर का टीवी देखा कितना बड़ा? मोड़ी का साइज शरीर देखा कितना बड़ा? अरे जे सब तो घटता बढ़ता रहे। और जो ना घटे तो ब्याह के बाद तो मोड़ी और फैल जाए। ऐ चुप रहो, तुम्हें बड़ा ज्ञान है। भैया निक तुम समझो, ब्याह तुम ही करना है। नहीं आप सबने तो देख ही लिए, तो सब बढ़िया ही है। क्यों पापा? हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया है बढ़िया। अरे उनके ठाट बाट देखे, मोड़ी के कंगन देखे जे मोटे मोटे, मोड़ी के हाथ देखे जे मोटे मोटे। अरे जे सब तो घटता बढ़ता रहता है। भैया तुम कुछ समझो, ब्याह तुम ही करना है। आप सबने तो देख ली तो बढ़िया ही है। क्यों पापा? हाँ बेटा बढ़िया है। वाह बढ़िया है, मम्मी तो दहेज की दीवानी है गई। आप कहा हम यहाँ मिला रहे पापा? अरे ज्यादा उदंड मत करो, समझे तुम? देखो हम कह रहे हैं वो मोड़ी कतई सफेद हाथी का बच्चा है। लो अरे नेक जोड़ी मेल की तो देखो, हमें पता है भैया का भीतरों से मन कतई ना कर रहा है और आप सब ना जबरदस्ती से कर रहे हो। काय भैया सही कही ना हमने? कतई सही कही है तुमने। नेक जब बाहर आना हम हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम? वो मन वाली बात जबरदस्ती कर रहे हैं। हमें पता है भीतर से आपका मन कतई ना कर रहा है। कर रहे भीतर से भी कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है। 36 के है गए हैं, हमारे दोस्तों के 3-3 4-4 बच्चे है गए। हाँ सुन लो
कब तक बेरहमचारी बन के बैठे? हमारी इच्छा नहीं होती कुछ करने की। 10-15 ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि उनमें से एक छाटें। ले दे के एक मोड़ी मिली है, उसे भी तुम भगा रहे हो? साथ साथ से सुन रहे हैं कि लैंड लग रही है, लैंड लग रही है, लैंड लग रही है, लैंड लग नहीं रही, हमारी कट रही है। हम आदमी के बैल, खेत में जोतने काम आएंगे बस। और ये तो मोटी है, नाटी काली पतली टकली, किसी से भी हम कर लेंगे, हमको मोड़ी चाहिए बस। हमने तुम्हारी कुटाई की है ना, जो कुटाई नहीं है, हमारी फीलिंग है जो एक्सप्रेस की है बस। रबड़ी खा लेना, जाके रखी हुई है। कैसे पटाऊं इस चीपू को, दिख ही नहीं रहा है कहां चला गया। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? पुष्पिंदर, तुम नहीं, पुष्पिंदर, अरे तुम इधर। अरे हम भी पूजा करने जा रहे हैं। तुम्हारी थाली नहीं दिखाई दे रही? सैर कर लेंगे। चलो, तो बधाई हो, फाइनली तुम्हें मोड़ी मिली गई। हाँ, फाइनली। सुनो, ये मोटी है? थोड़ी सी। नहीं नहीं, ज्यादा बताई। अच्छा चलो, जैसे तैसे तुम्हारा ब्याह हो रहा है। जैसे तैसे का है, हमें भी मोड़ी पसंद है। पसंद नहीं है, पिन कोई ऑप्शन नहीं है। हमें पता है, हर मोड़ी की तमन्ना होती है कि उसे सुंदर पतली मोड़ी मिले। ज्यादा मोटी से तो कोई नहीं चाहे, वरना सारी मोटी मोड़ी ब्याह से पहले जिम में जाके अपना पसीना नहीं बहाती। चाहे किसी से भी पूछ लो। चलो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वैसे बात बताए, हम तुम्हारी जगह होते ना, हम तो कब का मना कर देते। मतलब तुम भी मना कर सको। क्यों मना कर दे, और ऐसे कैसे मना कर दे? मत करो, हम तो तुम्हारे भली के लाने कह रहे थे कि चलो, पड़ोसी है, दोस्त है, तुम्हारी मर्जी। एक मिनट, पड़ोसी तो सही है, पिन दोस्त कब से है गए? तुम भी साथ में जेवर खरीदे। हाँ। पानी पूरी खाए। हाँ। तुम्हारी दादी को दवा दे। हाँ। तुम्हारी घर वालों को गाड़ी दे। हाँ। तुम्हें इतना टाइम दे। हाँ। और का सर्टिफिकेट दे दोस्ती का। दोस्त हो सके, हो सके, हो सके तो अपनी दोस्त की मानो, और मम्मी को जा रिश्ते की मना कर दे, रिश्ता तोड़ दे, और फिर कोई ना मिली तो। अरे तुम डरते बहुत हो, हमें देखो, 10 रिश्ते ठुकरा दिए, हम तो नहीं डरे। और हमारी मौसी को देखो, 27 रिश्ते ठुकरा दिए। रिश्ते ठुकराने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। अच्छा, तुम्हारी मौसी की तो नहीं बड़ी इज्जत? तुम मौसी का छोड़ो ना, हम पे आओ। देखो, तुम तो बहुत सुंदर हो। पिन,
तुम्हें भी बढ़िया मौड़ी मिल जाएगी, तुम भी तो दुबई में रहो। अगर दुबई में ना रहे तो? मतलब कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, मौड़ा तो तुम हीरा हो हीरा। हमारी मम्मी कहे ऐसा, ये सब छोड़ो, हमारी बात पे ध्यान दो, ये रिश्ता तोड़ दो। कोशिश करेंगे। पक्का? पक्का तो नहीं। हाँ, फोन करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। कोई डीजे भीजे नहीं चाहिए, बाहर सड़क पे टेंट लगाएंगे, फालतू का खर्चा। और तुमने ढंग से पंखा साफ करो, चमक आनी चाहिए। आपका जीप से चाट कर साफ करें, चमक आनी चाहिए। ए चुप रहो। ए पुष्पिंदर उते क्या खड़े, इते आओ, आओ। बैठो। मम्मी जी हम जे कह रहे थे कि मम्मी का वे 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 रिश्ता अब सौबातन की जे बार रिश्ता पक्का है गयो, जे तुम खाओ लड्डू लो। चार दिन के बाद शादी का मुहूर्त है। अरे जी कौन को फोन बज रहा है? पागल फोन ले रहा है। बड़ा अच्छा लेप है ये, वैसे हम भी लगाएंगे बाद में। क्या तुम्हारा फोन ले ले। ए खड़ा रहे हो? हाँ हमारा कंपनी ने फोन है, हम देख लेंगे, तुम जाओ। पुष्पिंदर। मम्मी। पुष्पिंदर। भैया एक किलो टमाटर दे दो और एक किलो आलू, और जल्दी करो। अरे अरे क्या हुआ भैया, कोनो तूफान आवता नहीं का? अरे बड़े बड़े देना, नहीं जरा जल्दी करो। टमाटर? अरे आलू थोड़े टाइट हूँ। आलू? अरे टमाटर। हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी करो, सगाई है इनकी। अच्छा फोन काहे नहीं उठा हम? आओ हम थोड़ा बिजी थे। बिजी? अच्छा बिजी थे, इतने पीछे की फोन ना उठा सके, कोई सरकार में मंत्री हो का? तुम जल्दी करो ना यार। अरे भैया तनिक चेक कर लेने दो, वरना तो हमार अम्मा हमार प्राण ले लेगी। अच्छा इग्नोर इग्नोर कर रहे हो हमें हैं? तुम सब्जी दे रहे हो, हम दे तुम्हें कद्दू दे दे रहे। हाँ तो ओ लो भैया 70 का हुआ। हाँ बाद में दे दे। मिस्टर पुष्पिंदर त्यागी दुबई वाले, तुम्हें दोस्त समझा था इसलिए छोड़ रहे, वरना कोई और होता ना। जी घुसा घुसा के घुसा घुसा के घुसा घुसा के सारा माल मत्ता बिखेर देती, और कर ही रहे हो ना, तो खूब करो, तुम्हारी सगाई तुम्हारी लुगाई खूब बजाओ शनाई। हे
भैया ये तो तुम्हारे साथ कांड हो गया। 30 रुपए दे, 30 रुपए। अरे भैया ये तो हमारे साथ कांड हो गया। सबने और तने डांस भी जोरदार करो एकदम। चलो अच्छा है गाओ, घर बस गाओ बेचारे पुष्पिंदर को। नाम मत लो उसका, इतना समझाया उस गवार कायर डरपोक मंकी संकी चैत चेपू पागल कमकल को, फिर भी सगाई कर ली। और जी सब तुम्हारी कारण है, बढ़िया कट रही थी हमारी, लेकिन नहीं तुमने कहा मोड़ा अच्छा है, पड़ोसी है, सेक्सी हो, सुंदर हो, दाना डालो। तो हमने तुम्हारे भले के लाने कही, हमको क्या पता ऐसे मक्खन जैसे शरीर से भी जो मोड़ा नहीं पिघलेगा है। शरम तो तुमको आनी चाहिए। अब जो दुबई भी तुम्हारी किस्मत में ना है तो हम क्या करें। और वैसे भी सबकी किस्मत में ना जब ब्याह नहीं हुए, हम आओ भी नहीं हुआ और तुम आओ भी। हम आओ ब्याह होके रहेगा, भगवान तुम्हारा जोड़ीदार बनाना भूल गया। हम आओ नहीं, लंदन अमरीका दुबई नहीं मिला तो नेपाल श्रीलंका भूटान तो मिलेगा। और जब भी ना मिले तो उगांडा सोमालिया और बुरुंडी में देख लेना। नागिन भाभी, साड़ी तो कतई मट्ठी दही है, तुम्हारे मायके से जो आई थी ना वहां से भी हल्की। कहनी तो नहीं चाहिए पर ये मिठाई भी तेल की है, खाते ही जीभ चिपक गई हमारी तो। भाभी स्टेशन पे मिले हैं 15 कैसे 50, तुम्हारे मायके से जो आए थे ना वहां से भी हल्को। क्या हुआ मोड़ा? जे अंगूठी फंस रही है, नेक फंसका ही रही है, नाप तो दियो हमने। पता नहीं उंगली का सारा खून सा। एक मिनट दिखा दिखा दिखा। ये तो टूट गई। ओ है कांड भाभी, मोहे तो नियत में कछु खोट लाग रो है। साफ सपाट बात कर लो दान दहेज की, नहीं तो पीछे मना कर दे तो कहीं के ना रहोगे। बुआ बस अंगूठी तो टूटी है, देख लियो तुम्हारे फूफा जी को रिश्तो। अरे हमने तो कही थी हमारी ननद की जिठानी की मोड़ी से कर दो। अब बोल का ही नहीं रहे हो। हम तो साफ साफ कह रहे हैं, पूछ लो बात कर लो। हाँ लो मम्मी, बढ़िया खबर लियो। अरे ये हेलो। हाँ जी, हाँ राधे राधे। हाँ इंदु बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ सब बढ़िया। हाँ का तैयारी? हाँ खूब बढ़िया चल रही है हमारी तैयारी तो। अजी एक बात करनी थी आपसे। हाँ जे जो पुष्पिंदर के लाने अंगूठी दी ना और कतई तार जैसी निकली, अब ऐसा अच्छा नहीं लगे ना रिश्तेदारी में। जेते दान दहेज की बात कर लेते तो। हाँ का दान दहेज की कोई बात ना हुई? अरे हमने तो जैसे नहीं करी कि खुद समझदार हो समझ जाओगे। अरे बिना दहेज के कौन ब्याह करेगा तुम्हारी मौड़ी से? अरे इतनी सुंदर मौड़ी भी ना है। अरे क्या, अरे जब दहेज देना ही ना था तो बड़े खान पान, ये बड़ी बड़ी कार, ये 4-5 तरह के बिस्कुट, ये समोसे, दिखावटी था का? हाँ देखो एक बात साफ साफ सुन लो, 25 लाख नगद और ठीक ठाक सोना होना चाहिए। हाँ अरे दुबई में नौकरी करे मोड़ा का, बहुत ज्यादा है तो ठीक है ना, ले जाओ जो टूटो फूटो दियो है। तुम अरे हमारे मोड़े को ना मोड़ियों की कमी ना है। अरे लेन लग रही है लेन। हाँ कहाँ लग रही है लेन? ये कौन ने कही हमारा मोड़ा 36 को है? अभी तो 32 को है। अरे तुम अपनी मोड़ी की सोचो, कतई ढोल जैसी। अरे इससे अच्छा तो हाथी बांध ले आंगन में। हाँ घर की शोभा तो बढ़ेगी। हाँ ठीक है, राम राम। हेले बंद कर इसे, कर दे हमने राम राम, तोड़ दे सगाई। मोड़ा देख तू दुखी ना हो, मोड़ियन की कमी ना है, लेन लग रही है लेन। और तू का दांत दिखा रहा, चल इधर आ। लेन तो छोड़ो मम्मी, एक मोड़ी मिल जाए वही बहुत है। Thank you.
जा रहे हैं? तुम कितने जा रही हो? हम भी घर जा रहे हैं। एक मिनट, हाँ ये ले लो। अरे हाथ दो। अरे अरे गिर जाओगी तो मुँह के 12 बज जाएंगे। 12 छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे मुँह पे 1.5 का बजा हुआ है? 1.5 का मान तो घंटा बज गयो। तुमने मैं माफ कर दिया ना? हाँ कर दो, अब तुम्हारे दिन ही खराब चल रहे, तुमसे का नाराजगी। एक बात कहें, हमने सगाई तोड़ दी। तुमने नहीं तोड़ी, तुम्हारी मम्मी ने दहेज के चक्कर में जो कांड किया है। तुम्हें कैसे पता? अरे पूरे भोपाल को पता है, चिल्ला चिल्ला के कह दी तुम्हारी मम्मी ने। जो भी हमारी सगाई टूट गई। दुखी हूँ? पता नहीं, मतलब है भी नहीं भी। हाथ आप तुम्हारा मुंह से तो लग रहा है दुखी हो। हमारा मुंह ऐसा तो हम क्या करें? एक फ्री का ज्ञान दे दो, तुम ही मोड़ी देख के कर लो ब्याह। तो क्या हम घर घर जाके मोड़ी देखें? और वैसे भी तुम्हारे अलावा हम जानते किसको हैं? हम ही तो जानते हो। हाँ तुम्हें तो जानते हो, तुम जानते हो ना? हाँ हाँ जानते हो तुम्हें तो। अरे हम ही तो जानते हो ना? मतलब जान, हाँ जान मतलब मैं तुम मैं हम तुम बाबली पीके रंगीला थ्री इडियट इस सारे भी नहीं समझते। रिक्शा रोको। काय बलौटे की तरह हमारा रास्ता काट रहे हो? तुम्हारा तो पेट्रोल ही खत्म नहीं होता। अच्छा जी बताओ उस दिन क्या कह रही थी तुम? उस दिन? किस दिन? तुम कह रही थी ना कि मैं तुम हम तुम। हाँ उस दिन, हाँ हमने पूछी होगी, तुमने हम तुम देखी का? नहीं 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 नहीं, हमने कहा था मोड़ी की बात, उसके बाद तुमने क्या कहा था? हाँ हमने कही तुम्हें मोड़ी मिल जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ हमने कहा था कि हम किसी मोड़ी को नहीं जानते, तुमने हमारे जांग पे हाथ धर के घुमाया था और हमें झुरझुरी सी हो गई, उसके बाद क्या कहा था? हाँ हमने कहा था हमें तो जानते हो। हाँ जानता हूँ। हमें तो जानते हो ना? जानता हूँ, फिर मतलब नहीं समझा। हम ये बात क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि आजकल पार्क में लड़के लड़कियों में यही लफड़ा चले हैं। अच्छा तुम ये कह लेम छोड़ो, जब बताओ कि बात क्या है। बताओ ना जल्दी, बताओ ना जे। बताओ। हाँ पूछो। हम तुम्हारे ब्याह वाले प्रोग्राम में फिट नहीं होते का? हमारा मतलब है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। बिन जे नहीं पता कि तुम हमें पसंद करते हो कि नहीं। क्यों नहीं करते? खूब करते, तभी तो चक्कर भिन्ने की तरह चक्कर लगा लगा कर तुम्हारे चौकीदार हो गए। हाँ पिन, तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी, और तुम्हारी मम्मी की ना मतलब तुम्हारी ना, और हमारी जेवर भी नकली है, जे भी तुम्हारी मम्मी को पता है। देखो इस जन्म में हमारी मम्मी हमारा ब्याह तो करने वाली है नहीं है? और दहेज के चक्कर में मोटी नाटे से ब्याह कर ले तो इससे अच्छा तुमसे कर लेते। और तुम तो समझदार हो, सुंदर हो,
हमें पसंद भी करती हो और हमें भी बहुत तमीज से पहली बार पहला प्यार हुआ है। प्यार भी हो गया? प्यार के लाने कोई डिग्री थोड़ा नहीं चाहिए। देखो जे तो मन का खेल है, किसी के भी साथ खेल जाए। जैसे हमाओ खेल गए तुम्हारे साथ, तुम्हाओ खेल गए हमारे साथ, खेल गए ना। हाँ। मम्मी की कसम कि मम्मी का को जुगाड़ करोगे? जे रूप पति है? रूप तो दिखी ना रहे हो बिल्कुल। अरे भाभी रूप छोड़ो, रुपया देखो, 35 लाख की पाल्टी है। अरे ऐसी कैसी झांकी, हद मचा रखी जमुनी ने। जागेंग का है, जागेंग। ज्ञान मत बढ़ाओ तुम हमाओ हमेशा। ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही है सबके सब। आपका हो गया जीजी? अरे का बताएं जीजी, हमारी मोड़ी का तो हाथ से निकल गई है। अब तुम का जी स्कूटर को ही दूल्हा बनाते रहोगे? जाओ जाके पार्क में देखो, मोड़ी कहीं भागते भागते बिलाए तो नहीं निकल गई। 6 बजे की गई, 10 बज गए, हमारे तो प्राण सूख रहे। देखो जीजी, हाँ बुरा मत मानना, अपनी मोड़ी को ना नेक टाइट करो, ज्यादा छूट देना भी ना गलत होए। अब देखो जे मत समझना कि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। हमारे मोड़ा मोड़ियों को देख लो, हमसे पूछे बिना एक काम ना करें। मम्मी हम कसरत कर ले? हाँ कर लो। ए हेमा जा, जाके पुष्पिंदर को उठा दे, सूरज सर पे चढ़ाया जा। जी मम्मी। तुम्हें जानो बिलायत, जे मोड़ा रहे दुबई तो जे खेल है तुम्हारो। हाँ अरे कुछ तो शर्म करती, तूने तो इक्का और हाकिम को राखी भी बांधी ना। पुष्पिंदर को तो नहीं बांधी ना। तो वो ना हुआ तुम्हारो भैया है बेशरम। तो क्या करते हम? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मौसी ने कहा एक जेई बच्चा है, मोड़े को दबोच ले। दबोच लिया? जे दबोच लियो कब कही हमने? हमने बच्चे कही कि मोड़ा अच्छो है, संस्कारी है, दुबई रहे, देख लियो। फिर तुम तो ब्याह कराई। हम में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी, मोड़ा मम्मी का भक्त है, कभी भी पलट सकता था, और हम में इतनी पेशेंस नहीं है पहले पटाओ फिर फेरा लगाओ। तो हमने दोनों एक साथ कर लिए। अच्छा तो तुम हो जा खेल की अर्जेंट एजेंट। देखो देखो जिन्नास बेटी, अब भी हमारा ज्ञान बढ़ा रही। हम तो क्या करते, हम क्या करते?
दिन रात तुम्हें लांछन लगाती रहो कि तुम बिन बिहाई मॉडर्न की गैंग बना रही हो, है? जो हमारी संगत में बिगड़ रही, हमें से लिखा पढ़ा रहा है, तो लिखा पढ़ा दिया हमने अच्छे से, पिन सबके भले के लाने। अरे हम तुमको और जिया जी को परेशान नहीं देख पा रहे थे। वैसे कहा गलत हुआ, कहा गलत हुआ? मोड़ा तो अच्छो है, संस्कारी है, जिबात सब जाने। अरे ब्याह की बला तो टली है, अब जो है गो सो है गो जीजा जी। आगे का करना है जे सोचो। गुलाब के भी है, मोगरा के फूल भी है। दादी तुम कहाँ हो? यहाँ शोक सभा चल रही, तुम पार्टी का माहौल बना रही हो। इंदु सुबह से शाम है गई है, अब तो कुछ बोलो। भाभी लग गऊ छू ना 25 लाख को। खुश तो बहुत होगी ना आज? मोड़ा भी अच्छा मिल गयो, दहेज भी बच गयो, नकली गहनों में काम भी है गयो। जी जी, गलती हमारी मोड़ी की ही। तुम्हारी मोड़ी ने हमारी उम्मीद, हमारी योजना सबकी होरी चला दी। हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे। अरे आप, हमारी मोड़ा का भी नड़ा ढीलू पड़ गया, अब उसे फटे दूध में रबड़ी को आनंद आए तो हम का करें। इंदु अब बात बिगड़ गई है तो संभालनी हम तो परिवार वालों को ही पड़ेगी ना। हाँ, अब आप कहो जैसो करें। पूत का पूत हो सके पर माता को माता ना हो सके। अब भगवान के आगे फिरे ले ही आए हैं तो जे कच्चो ब्याह पक्को करनो पड़ेगा। ब्याह पक्को है क्यो? सही में पक्को है? हाँ बुआ पक्का है क्यो? जे काम बढ़िया किया भैया ने, हमारी इज्जत बच गई, हमारी इज्जत बच गई पुत्र। भाभी तो सुंदर आई। अरे आशीर्वाद आपने पोतन का बढ़िया से। बिरादरी में खबर फैलने से पहले ब्याह करना है और वो भी इसी हफ्ते। अब हम कहेंगे जैसा ब्याह वैसा तो तुम कर नहीं पाओगे, तो जैसी मर्जी कर दो, बिन हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे बस। जे तो बहुत बढ़िया कही, कछु गोत्र नक्षत्र दिखा ले। नक्षत्र तो हमारे खराब ही है और गोत्र वो तुमसे ऊंचा है। तो भाभी फिर समधन कहो। और का अब समधन ना हो गई तुम्हारी तो? जी जी मैं। तुम भी समधन कहो, पुराने रिश्ते अब खत्म है गए। बधाई हो केदार जी। नाक कटा के छोरा छोरी गठबंधन चला बैठे, तोड़ के रिकॉर्ड रिजेक्शन के मोहल्ले में ही गुल खिला बैठे। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। नहीं नहीं, भोपाल में सिर्फ क्या हुआ है, सेटल तो दुबई में होना है। जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दहेज एक ढेला दहेज नहीं देना पड़ा। फोटो कहाँ से लाए? मैं इंटरनेट पे चिपका दूंगी ना दुबई पहुंचते। हाँ दुबई दुबई दुबई। हाँ
अच्छा चलो रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, मेरा विदाई है। हाँ ओके रूपाली, ओके बाय। चल गई वो टली, चल गई। तुम्हारा मिशन कंप्लीट है गा। हाँ। अब नेक आंख में आंसू लिया, वो कहा है विदाई है तुम्हारी, नहीं ससुराल वाले कहेंगे कतई बेसरम है मौड़ी। अबे कहाँ बजा रहे हो बे, लड़की विदा हो रही है, अब इधर वालों की तरफ से बजाओ। क्या भाई साहब, एक पेमेंट पे आप हमसे दो ब्याह निपटा लिए, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बजाना किसके तरफ से है, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से। अरे रोंदने वाले बजाते ना, बजाते बजाते भाई नहीं मेरा, बजाते बजाते। पूजा पाठ जल्दी करो मम्मी, भाभी बड़ी दूर से आई है ना, गई होगी बेचारी। मौसी का कर रहे हो तुम? वो इतनी रात को चिट्ठी बांटने निकले हैं, अरे सो रहे हैं और का? तुम तो सो रहे हो पिंजे फूल फूल देखकर, हमारी तो नींद ही उड़ गई। काय का काय, दुबई के चक्कर में ब्याह तो कर लिया, बिना प्यार के ये सब नहीं हो सकता है मौसी, हम नहीं कर पाएंगे। एनी का करिए, फीलिंग्स ही नहीं आ रहे। एनी तुम यार तो आग बंद करो और बुर्ज खलीफा के बारे में सोचो, फीलिंग अपने आप आ जाएगी। मौसी तुम कुत्ती रहो, अब धरो ना फोन। सॉरी नहीं, देर हो गई। तुम कुछ लोगे? पानी है।
ऊपर वाले तेरे घर में देर तो है पर अंधेरी कतई नहीं। सबर का फल इतना गोरा मतलब मीठा। हे भोलेनाथ, 16 सोमवार में से एक ही दिन तो गलती से पानी पूरी खाई थी, जाकी ऐसी सजा। सॉरी हम तो जय भीतर। अरे हम आएंगे जाएं? नहीं नहीं अंदर आओ ना। हाँ वही तो, अब आ ही गए तो कम से कम हीटर तो लगाई दे। वैसे भैया आपके कमरे में इतनी भी ठंड ना है? नहीं 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 है ना ठंड है। जय क्यों? हाकिम 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 इतने जे उधर नहीं इतने इतने नहीं 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 थोड़ा पास ऐसे? हीटर को इतने सर करो हमारी तरह। नहीं 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 थोड़ी सी हमारी तरह। यार तुम जाओ ना हम कर लेंगे। नहीं नहीं हाकिम कर लेगा ना। हाँ यार नहीं थोड़ा आगे निकलो यार इधर। हाँ आगे से ये नहीं नहीं ऐसे है नहीं। आज तो तुम्हारे फीता कट्टे को पूरा जुगाड़ है गयो। ये नरम नरम गद्दा और ये फूल की सेज। हमारे टाइम एक पंखो है तो जो घर घर और एक खटिया है ठीक जो चलर चलर। ओहो ग्रैंड मदर चलो चलो भाई। कबाब में हड्डी और जवानी में बुढ़ी सही ना होए। चलो मोड़ा आराम से थोड़ी एक सूर से। अरे चलो तुम तो कतई काम सुस्ता की अम्मा है। रही हो चल रही हूँ चल रही हूँ। भैया चिटके नहीं लगा लो। जी मचल रहे हैं। ऐसे कैसे मचल गए? अभी तो कुछ किए भी नहीं। हमारे पास पुदीने की गोली है हम लेके आते हैं। ये गोली ले लो मचलाहट बंद हो जाएगी। आयुर्वेदिक है नो साइड इफेक्ट। खट्टे डकार आती है हम यही खाते हैं। बढ़िया लग रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। अब तक गोली पेट में नहीं पहुंची। निक लंबा शरीर है ना तो देर से पहुंचेगी। पहुंचन दो पहुंची। हमने बाथरूम होके आते हम छोड़ के आते जल्दी आ जाना प्लीज।
अभी तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो मुंह दिखाई वाली औरतें आने वाली होंगी। हाँ लाने छोड़ दो, तुम राम राम जपो बस। अरे हमें भी तो देखने दो, हमें जल्दी जाना है। तुमसे ज्यादा जल्दी हमें है, रात तो ऐसे निकल गई, दिन की भी हड़ताल कराओगे कहाँ? इतना क्या मरी जा रही है देखने के लिए, इसी गली की तो लड़की है, गर्ल्स नेक्स्ट डोर। गहने तो बड़े जोरदार के हैं, कुंडल, गले का हार, मटर माला और हाथों के कंगन। 7-8 लाख के तो होंगे गहने। हाँ 7-8 लाख के। लोल, ओ माय गॉड, सारे के सारे जेवर नकली हैं। एनी हमारे सामने ही तो गई थी हेमा के साथ, क्यों रे हेमा? अरे तो हमसे पूछ लेती है, ये बोतलबाजी काय कर रही हो? और जे सोना चांदी छोड़ो और हमारी बहू देखो, ये हीरा है हीरा। अरे इस हीरा को जोहरी के पास आने दो, जा से चमक आए। अरे तुम रुक काय गई, चलो बजाओ बजाओ चलो। बताओ दीदी, हमला है, मनोरंजन पूरा मोहल्ला कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आंटी जी। लगी लगी। भाभी जी राम राम, बड़े शुभ कदम पड़े हैं आपके इस घर में। ऐसा क्या है? क्यों? साक्षात लक्ष्मी का रूप है घर में, भाभी जी के आते ही पुष्पिंदर की नौकरी लग गई, और तो और हमारी कंपनी में हमारा बॉस हो गया। इन पुष्पिंदर की नौकरी तो पहले से दुबई में, वो तो कब का निकाल दिया गया, तभी तो यहाँ के पकड़ी है। फूट का ही नहीं रहा कछु मुंह से, फूटो। मम्मी हम बताने वाले थे, पिन मौका नहीं मिला। ब्याह का मौका मिल गया, हमको बताने का मौका नहीं मिला। हे भगवान, जा घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे सर पे तो एक के बाद बिजली सी गिर रही है। जामुड़ी को ब्याह से पहले बता देना कि दुबई की नौकरी नहीं रही। नहीं मम्मी, वो जल्दबाजी में सब हो गया। अरे रे रे रे, ब्याह से पहले बता देते ना तो जाके सपनों में पानी ना फिरता। बिचारी के विदेश जावे के सारे सपने तोड़ दिए तुमने। मम्मी समझा नहीं मैं। तुमको नहीं पता जामोड़ी ने 10 मोड़े क्यों रिजेक्ट किए विदेश जावे के चक्कर में? अरे इंदु तुम क्या इंदु, इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जामोड़ी ने इसके साथ ब्याह क्यों किया है। जे कोई प्यार का ब्याह नहीं है, जे विदेश को ब्याह है, दुबई को ब्याह है, जाके तो पूछ लो। नहीं मिला कि जानबूझ के खेल खेला है। का खेल? अब दुबई हो चाहे इंडिया, नौकरी तो है ना, लेकिन तुम तो कतई चालू निकली। चालू तो तुम भी कम नहीं हो। हम चालू? उल्टा भूत हनुमान चालीसा पढ़े। हमें क्या पता तो तुम दुबई के चक्कर में दाना डाल रही हो। तो क्यों चुग लिया दाना, इतनी भोली चिड़िया तो तुम नहीं हो। चिड़िया तो हम भोली है, नहीं तो 2 दिन में तुम्हारे प्यार के जाल में फंस के ब्यांक करते। तुम्हारे नकली प्यार के चक्कर में अपनी माँ का दिल दुखाया। ओह, कतई जलेबी की तरह सीधे हो का? अपनी नियत की कहो, मोटी नाटी से बढ़िया हम मिले तो तुम्हारे पजामे में सिरसिरी है गई। हो गई सरसुरी है गई, तुमने कौन सी बड़ी कृपा कर दी हम पे, जे ब्याह करके दुबई के चक्कर में लपेट लियो, दुबई के चक्कर में है? काश पहले बता देते तुम जैसे ढोंगी लालची से बच जाओ। ढोंगी लालची नहीं हूं मैं, एंबिसिस हूं। एंबिसिस, एंबिसन देखो इनका, खुद करके जाओ विदेश, चलते हेलीकॉप्टर में लटक के यात्रा करें, से एंबिशन ना कहें, एंबिशन।
न फल न रस ऊपर से स्वाद कर कस। तो तुम कौन सी गुलकंद की पिटा रहे हो, आधे बैंगन आधे चुकंदर और नाम पुष्पिंदर? हाँ तो फिर भुगतो। हाँ हम तुम्हें भुगते, तुम हमें भुगतो। शादी करके तबाह हो गई हमारी जिंदगी। हाँ तो तुमने हमारी जिंदगी में कौन से चौधरी के चांद लगा दिए? छोड़ो, पकड़ो अपने एम्बिशन। सारा जुगाड़ का भाषण मच गया, अब क्या कहूंगी सहेलियों से, क्या चिपकाऊंगी इंटरनेट पे। लंदन अमेरिका छोड़ के दुबई पकड़ा और दुबई नहीं सीधा पड़ोस में पटक दिया। ये लीजिए। अरे अरे नहीं, अरे खाइए खाइए, खाना तो पड़ेगा ही। अरे नहीं, 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 लीजिए। अरे अंदर जाओ, नजर लगाओगी क्या हमारे दामाद को? जी रबड़ी खाओ, खास तुम्हारे लान बनाई है। ए मोड़ी, दामाद जी को बोलना। दामाद जी कचौड़ी लेंगे? आज रहने दो, फिर कभी कर लेना लाड़ प्यार। बड़ा तुम नेक हमारे साथ चलो। अरे चाय कमरे में भेजा देना। आओ बेटा। यहाँ से। मोड़ा के कैरेक्टर देखे हम तो गंगा नहा लिए। कैरेक्टर गए जीजी। बढ़ाओ बढ़ाओ, आज खूब ज्ञान बढ़ाओ, हमें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा तुम तो गंगा नहा लिए, हमारी जिंदगी रेगिस्तान है गई। ऐसे काहे बोल रही मोड़ी? हीरा जैसो दामाद है। कोई हीरा ना है, कोयला निकला कोयला। जा हीरा जैसे दामाद की दुबई की नौकरी गई और भोपाल की नौकरी पकड़ ली। का? नौकरी चली गई? हाँ मौसी, अब हमने जो दुबई के चक्कर में जे ब्याह का प्लान सेट किया था ना, अब वो दुबई नहीं रही। तो जे मोड़ा अब दुबई नहीं जाएगो? अब नौकरी से निकाल दिया तो कैसे जाएगो? दुबई, दुबई भी गया, लंदन सोचा था, अमेरिका सोचा था, हमारी जिंदगी बर्बाद। एनी, कभी कभी जुगाड़ फैल भी है जाए, अब जो हैगा सो हैगा ना। अब तुम भी जो दुबई की पिक्चर खत्म करो और तुम एक बड़ी है जाओ। जे समझदारी पहले दिखा दी थी, जब कहीं मोड़े भी ट्राई मारो दुबई जाओगी। बिस्तर में मत छोड़ो, हमारी बात सुनो। आज तक हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? बिना ब्याह है गौ है तुम्हारो। बस आप कछु बोले तो चार पड़ेंगे गाल पे, गाल बन जाएगा मालपुआ। देख मोड़ी, अगर तुमने कोई नयो परपंच किया तो हम आओ मरो मुंह देखोगी, और अगर हम दुबई नहीं गए ना तो तुम हम आओ देंगे एक जी मोड़ी, तो हमारी जान लेके रहेगी। जी जी नेक्स्ट हाथ है जाओ। अरे जाओ, कुछ चाय वाय भेजो। चाय लेके जाओ तुम। बेटा हम तो तुम्हारे जैसा दामाद पाके बहुत खुश हैं, पर हमें पता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ब्याह से बहुत दुखी हैं। तुम्हारे ब्याह से बहुत उम्मीदें थी उनको, तो बेटा एक विनती है हमारी, बुरा मत मानना, हमारे सम्मान के लिए जे ले लो। पापा जी ये क्या है? अब बेटा 20-25 तो ना है हमारे पास, तो जे 5 लाख का चेक रख लो, और तुम्हारी मम्मी को इतनी छोटी रकम देने की हिम्मत नहीं हुई हमारी तो तुम्हें दे रहे हैं। पापा जी ये सच है, हमारी मम्मी को उम्मीद है, पर वो हमसे हम पूरा करेंगे। दहेज के पैसों से ना तो गृहस्थी चले ना बने, और हम जैसे पढ़े लिखे नहीं सुधरेंगे तो प्रथाओं को खत्म कौन करेगा? 25 साल अपने कलेजे से लगाए बेटी को आपने हमें दे दिया, इससे ज्यादा क्या लूं? हम नहीं लेंगे पापा जी। ना बेटा रख ले। नहीं, हमारी खातिर प्लीज, हमारी खातिर बेटा। ये पैसे हम ले लेंगे तो अपना घमंड खो देंगे। हमारी बेटी ने आज तक एक ही काम अच्छा किया है, तुमसे ब्याह। पापा जी चाहे
हाँ बेटा, दामाद जी को पिला, हम नेक नीचे मेहमानों को देख लेते हैं। है बेटा, बैठो। एक बात पूछे, तुमने जो अभी पापा से कही वो दिल से कही कि कहने को कह दे? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। समझ में आने वाली लूडो है तुम्हारी तरह देर से समझ में आने वाली शतरंज नहीं। एक बात हम भी पूछें, बताओगे? तुमने दुबई के चक्कर में हमसे ब्याह किया? हमसे कतई प्यार नहीं था। मम्मी पापा ने बहुत बढ़िया सामान दिया है, है? मिठाई भी देसी घी की दही है। खेल रही है तुम्हारे ऊपर। अदरक को इलायची डाल दी? अरे वाह। मौड़ी, तुम तो कतई हमारे जिगर में उतर गई। पर एक बात बता, गई जब तो बड़ी सूखी सूखी थी, आई तो बड़ी खिलखिला रही हो। मैंने चेंज करके आता हूँ थोड़ा। रे मोड़ी, तुम्हारी सारी बुराई माफ और चे लव मैरिज पे हम तना तना आशीर्वाद। हम नेक बदल के आते हैं। भैया, ओ भैया, गिलो। ओहो, चाय साय? इतनी जोर से काय ही निना रहे हो? भैया के लाने दुबई से चिट्ठी आई तो देने के भूल गए। हाँ तो पढ़ो। पहले नौकरी से निकाल दिया, अब जो चिट्ठी भेजी है। हाँ। अरे जल्दी निकालो। प्राइवेट लग रही है, हम दे आते हैं। हमसे ज्यादा प्राइवेट है का? चलो पढ़ो। पढ़ दे बेटा, पढ़ दे। इते उते काय देख रहे हो? पढ़ो जी। अंग्रेजी में तो पिए काय वास्ते कर रहे हो? हाँ, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती इतनी सी? चलो पढ़ो। डियर मिस्टर पुष्पिंदर त्यागी, इट इज आवर एक्सट्रीम प्लेजियर टू अनाउंस दैट यू हैव बीन रीइंस्टेटेड एज एन अकाउंटेंट इन आवर दुबई फाइनेंशियल ईयर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून रिगार्ड्स शेख अल कज़मी मुझे मैन। बैठ जाओ। है क्यों? है क्यों? बात का कही है? जेना पता। हाँ? जेना पता। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो? इससे अच्छा तो काम धंधा कर लो घर में, चार पैसे तो आएंगे।
अरे कोई है जो जा इस लेटर को पढ़ सके, क्या लिखा है इसके अंदर? हाँ बेटा तुम पढ़ लेती हो, पढ़ो। मम्मी जी इसमें ये लिखा है, जिस नौकरी से निकाला गया था ना वो दुबई वापस बुला रहे और तनख्वाह भी बढ़ा दिया। जे गजब है क्या? चलो इतने दिनों में कोई अच्छी खबर तो आई। कहा पापा जी, कोई अच्छी खबर आ गई का? तुम्हारे लाने एक अच्छी खबर है, दुबई वाले फिर से बुला रहे हैं तुम्हें और तनख्वाह भी बढ़ा दिया। अच्छा है तुम ब्याह से निपट गए हो, अब दो चार दिन में नौकरी पकड़ लो, कम से कम ढंग के पैसे तो हाथ में आएंगे। मम्मी जी, मम्मी मम्मी हम जो नौकरी नहीं करेंगे। जी क्या कह रही हो? थोड़ा सोच समझ ले बोलने से पहले। हमने यहाँ नौकरी पकड़ ली है। तो छोड़ दो ना। और जहाँ वाले उतने पैसे भी नहीं देंगे जितने दुबई वाले दे रहे हैं। कम कमा लेंगे, बिना आप सबके बीच में रहेंगे ना। थोड़ा बुद्धि से काम लो, समझ में आई तुम्हें? सात की चीज ना 70 में आ गई है और अभी तक ना घर की किस्त भी पूरी ना हुई है। तीन तीन जने पढ़ाई कर रहे हैं, नाते रिश्तेदार तीस त्योहार सबको खर्चा है। अरे समझाओ अपने मोड़ा को, हम कौन सा उम्र भर के लिए कह रहे हैं, सिर्फ 2 साल की तो बात है। मम्मी जी 7 साल में 2 बार घर पे आए हैं, हमसे नाराज है वहाँ, हमें सबकी याद आती है और हमें वहाँ का हवा पानी नहीं जम रहा है। अच्छा बड़ी जल्दी हवा पानी बदल गया तुम्हारा। हा? बेटा लगता है अपने घर की जिम्मेदारी भूल गए हो तुम। जिम्मेदारी भूलते तो ये नौकरी पकड़ते। फिर मम्मी जी कह रही तो चलते ना। देखो मोड़ा, तुमने तो बिना दहेज के ब्याह कर लिया है, लेकिन ये हेमा को ना इतना समझदार नहीं मिलेगा। एक बार हेमा का ब्याह हो जाए फिर जो मर्जी में आए कर लेना। हेमा के ब्याह की जिम्मेदारी तो हम यहाँ रहके भी पूरी कर सकते हैं मम्मी, इस नौकरी से। मम्मी अब बस भी करो, भैया को यही रहने दो, हम 7 साल से लिफाफे में भेज रहे राखी। और का बिरजे चाचा है ना मस्केट में, फिर 2 साल पीछे हम उन्हें बुला लेंगे और हम चले जाएंगे। अब बिंदु यहाँ नौकरी पकड़ ली है मौड़ा ने तो ठीक है ना? फिर ठीक है, 6 महीना यहाँ पर रह लो, पर उसके बाद टिकट कटा लो। ऐसा कैसे कटा लें? हाँ हम नहीं कटाएंगे। तुमको कटाना पड़ेगा। हम नहीं कटाएंगे। तुमको कटाना। हम पे अकड़ दिखाओगे। तुम्हारे सर में काय दर्द हो रहा है? जिस कारण से आपके सर में दर्द हो रहा है उसी कारण से हमाओं भी हो रहा है। जे बताओ, तो भाई जानो है? जाना तो है, पिने ने तो साफ मना कर दियो कि नहीं जाएंगे। जाएगा, तुम चाहो तो। हम चाहे, मतलब हम तो चाहते ही हैं। अच्छा जे बताओ, जो ब्याह के बाद जो कछु भी हुए वो हुआ का? नहीं मम्मी जी, होना भी नहीं चाहिए। का है मम्मी जी? अरे मोड़ा तभी मुट्ठी में आ सके, सब कुछ करो बस वही मत करो, वही चिटक दो। बोलो पहले दुबई जाना है। ऐसे करने से वो दुबई चले जाएंगे? सुंदर औरत चाहे ना आदमी से कुछ भी करा सकती है, भले ही उसमें अकल ना हो। मम्मी
पिन मम्मी जी, हमें नहीं लगता जी आपका प्लान ज्यादा दिन तक चल सके। कैसे हम रोज रोज खुद को बचाएंगे? अरे ये सब कुछ दिनों की बात है, फिर मोड़ा उकता जाएगा, तब तुम कह देना पहले दुबई चलो। हाँ ये क्या सिखा रहे हो मम्मी जी? कौन सा ज्ञान दे रही हो? वो काय दे रही हो हमें दुबई भेजने के लाने? तुम तो बहुत खुदगर्ज है गई हो मम्मी। नहीं नहीं मोड़ा, ऐसा कछु नहीं हुआ, तुमने कुछ गलत सुन लिया। गलत सुना नहीं हमने, गलत है गयो हमारे साथ यहाँ आके जब यहाँ करके। हम तो तुम्हारे लाने रुकना चाह रहे थे और तुम जय प्रपंच, भले धरती पटके दुई हो जाए, आसमान में सुनामी आ जाए, सूरज पश्चिम से निकल आए, पूरी दुनिया की ऑक्सीजन खत्म हो जाए, आम के पेड़ पर अमरूद उगाए, हम दुई नहीं जाएंगे। पिन सुनो तो। चुप कर! तुम कितनी लालची और बेशरम हो गई हो। हम लालची? हम बेशरम? हम जो तुम्हारी मम्मी कह रहे वही कर रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं, मम्मी की इतनी बात मानते ना तुझे ब्याह ना करती। पर दुबई की चूल चालू है गई है, दुबई है, दुबई है, दुबई बेशर्मी बेहाय। देखो हम फिर से कह रहे हैं, नेक जापान पे क्लिप लगा दो, सोच समझ के कहो। सोच समझ के बोल ले, नहीं तो जैसे सीक्रेट के तुम प्लान बना रही हो ना, तो थप्पड़ बनते तुम्हारे। हम क्यों थप्पड़ खाए? हम प्लान तो तुम्हारी मम्मी बना रही है, मम्मी को मारो थप्पड़। हमें तो कुछ नहीं पता, मम्मी को सब मामला पता है। भाभी जी कहाँ आ गया हो? नहीं कछु नहीं, छोटी मोटी बात है गई दोनों की। अरे बेटा है नी, अरे कछु तो बोलो कि हुआ क्या है? अरे बुढ़ी रुको, ऐसे गुस्से में ना फैसला करे, समझा करो। बुआ बात समझानी है ना, तो अपनी भाभी और भतीजे को समझाओ। आ बुढ़ी रुको ना। अरे बहू। आ बुढ़ी। अरे बेटा एनी, बहू, एक मिनट तो रुको एनी। अरे बात तो सुनो, सुनो सुनो बात तो सुनो। अरे बोलो इसको कुछ। सुन तो लो यार। अरे बहू ए मोड़ी देखो सुनो। अरे बहू दरवाजा खोलो। तू कुछ बोलना। कहाँ है गो? हमें उस घर में जाना ही नहीं है। अरे समझी जी समझाइए ना इसे कि ऐसी छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर ना जाए। ये देख रहे हो कनपट्टी हिल गई हमारी, ये छोटी मोटी बात है? अपने मोड़ा से कहो हमें हल्के में ना ले, हमारे पापा ने भी आज तक हमें थप्पड़ नहीं मारा। कहाँ है मनोहर भाई, ऐसी क्या बात है कि दामाद जी को हाथ उठाना पड़ गया? हमें ना बताओ कि क्या बात भाई है, बस इतना पता चलो कि आपस में इन दोनों की कछु बहस हुई और मोड़ा ने हाथ उठा दो। ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब। अभी जी हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन बहू इस तरह से घर के बाहर चली जाएगी तब तो मामला और उलझ जाएगा ना भाई साहब। हमें कोई मामला रखना ही नहीं है। बेटा है नहीं बात सुनो, तुम अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करेंगे, सब 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 ठीक आ जाएगा बेटा। हमें ना कोई बात करनी है ना उस घर में जाना है। अरे बहू ऐसे तो बेटा दोनों घर की इज्जत चली जाएगी। इज्जत जाती है तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं आएंगे। सही कहा बेटा। तुम काहे समझोगी इज्जत, जो कमाए वो समझे। पिन एक बात हमारी भी सुन लो, जब ब्याह जैसे बड़ो निर्णय तुम खुद ले सको तो अपने घर गृहस्थी की लड़ाई भी खुद ही लड़ो। पिन जा घर के दरवाजे तुम्हारे लाने नहीं खुलेंगे। मतलब हम अपने घर ना आ सके? ना। तुम्हें जाना है बाहर?
ठीक है, नहीं आएंगे नहीं थे। अरे बावली, तुझे उससे लड़ना है तो अंदर चल के लड़, बाहर की कैसी लड़ाई, ये छोड़ो और अंदर चलो। ना किसी से लड़ना है ना उस घर में जाना। देख मोड़े, 80 बरस को अनुभव कहूँ, अभी तो तू घर से बाहर आई है। चलो चलो हिम्मत के पापे मिलते हैं। दुबई चला गया, किसी से कुछ कहा भी नहीं। अब ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो आज से पहले ऐसी महाभारत भी तो ना हुई घर पे, जाते नहीं तो क्या करते, ना मम्मी ठीक से बात करी ना भाभी, चले गए बेचारे। कौन कहां चले गए? भैया दुबई चले गए। अब मिल गई शांति? ऐसे कैसे चले गए? तो कैसे जाते, रुकने लायक छोड़ा तुमने? बेचारे, इनकी नाराजगी दूर करने में कब से लगे रहे, पर इनकी अकड़ है कमी नहीं है रही। हेमा तुम क्या? हेमा नेक धरती पर पैर रखो जरा, और जैसे परपंच की जड़ ना तुम हो, तुम जैसी मतलबी लड़की। हेमा, चामे आने की कोई गलती ना है, सारी गलती हमारी है। हमने ही कमाई के लालच में पुष्पिंदर को घर से दूर कर दियो, उसे दुबई भेजने के लाने हमने ही बहू से कहा कि उसके साथ सोना बंद कर दो। हिंदू? और ये सब हमने हेमा के लाने किया ताकि उसका घर बस जाए। बेटी का घर बसाने के चक्कर में हमने बेटे और बहू का घर तोड़ दिया, सबका मन तोड़ दिया। छोटी छोटी हमें माफ कर दो, हम कल ही इक्का के पापा को फोन करके बुला लेंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी कमाई, हमसे बहुत बड़ी गलती है गई, हमें माफ कर दो। हमाओ मोड़ा चला गया। जेलो, क्या है? हमें नहीं पता, भैया ने आपके लाने दिए। एनी हम जा रहे हैं, हमारे सपने तो पूरे न हुए, पिन तुम्हारे हम पूरा कर देंगे। लेटर के साथ सिंगापुर की टिकट रखी है, अकेली मत जाना। और हमसे गलती है गई है कि तुम पर हाथ उठाया, हमें माफ कर देना पुष्पिंदर। रात एयरपोर्ट पे बैठ के सोचते रहे, जाए ना जाए, जाए ना जाए, तुमसे मिले बिना जा नहीं पाए। अब मिलिए, अब चले जाएंगे। नहीं मोड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मोड़ा। अरे का उठा रहे? नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मोड़ा। अरे छोड़, तुम यहीं पर रहोगे मोड़ा, नहीं जाने देंगे। सारी गलती हमारी है, ये सब हमारे कारण हुआ है। हमने लालच में आकर के बेटे बहू का घर तोड़ दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे मोड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगे। कहीं जाएंगे तो आपके पैसे का नुकसान हो ही जाएगा। हमारी तो सारी कमाई तुम ही हो ना, हमसे गलती है गई, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती है गई, हमको छोड़ के मत जा। काहे रो रही हो मम्मी? पुष्पिंदर जी आ गए, पुष्पिंदर जी आ गए। अरे सुनो, पुष्पिंदर जी आ गए।
अरे मोड़ा भैया, अरे मोड़ा कहाँ गायब हो गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? पूरी रख दे दादी, पहले केले खा ले। अरे हम सब परिवार वाले तुम्हें देखना पूरा भोपाल घूमी आए चक्कर घिन्नी की तरह। अरे तुम चुप रहो ना। ए मोड़ा तू हमारी छोड़, जा तू बहू के पास जा, जब से तुम गए हो ना बहुत परेशान है गई वो। जाओ मोड़ा जाओ। अच्छा चले जाएंगे ना। अरे जाओ ना मोड़ा, चले जाएंगे ना मम्मी। अरे जाओ ना। अरे भैया जा नहीं, भाभी अपने मम्मी के घर गई है मन हल्का करने। अरे जाओ ना। अरे तमाची, अरे तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं। अच्छा। कंपनी ने बिजनेस क्लास का टिकट दिया था तो बिजनेस लॉन्च में बैठे थे। अच्छा। फिर सोचा जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। अच्छा। आपकी याद आ रही है। यानी किधर है? हाँ बुलाते ना ए छोटी। अरे दादी इसे छोड़ो भैया, आ गए भैया। मोड़ा आ गए हो? आ गए, भाभी घर गए मिलने, आते हैं अभी। मोड़ा आ गए हो? मुंह का लटकाए हो, अब तो खुश हो जाओ। काय पुष्पिंदर आ गया का? हाँ जी देखो बैग। अरे दामाची बैठो, नहीं नहीं नाश्ता नहीं, नाश्ता पानी क्यों? ए नीला, ए नी किधर है? हाँ बुलाते हैं ना, वो तो अभी आपके घर चली गई। अरे बैठो तो सही, नाश्ता लेके ला रहे ला रहे। अरे दामाची और तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया है। हमसे मिलने? नहीं हमसे मिलने। मम्मी जी कहाँ हैं? ब्याह थे, हमने कही तुम निकल गई तो तुमसे मिलने पीछे के दरवाजे से भागे चले गए। एनी दिखाई नहीं दे रही। तुमसे नहीं मिली? अरे अपने घर गई है ना तुमसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट छोटी चाइना सा ले। नहीं नहीं हमें चाइना सा नहीं। मम्मी जी कहाँ हैं? अरे अभी तो तुम्हारे घर गई है तुमसे मिलने। एनी अरे तमाम जी तुम बैठो। अच्छा चलो देख आते हैं। भाभी का तुम दोनों तब से दोनों घर का परिक्रमा लगा रहे हो? तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, हम लेके आते हैं। दामाजी दामाजी वो पीछे के दरवाजे से गई है। पीछे? आप इतने रुको, मैं मौड़ी ने लेके आती हूँ। कतई हेड एंड सी कह दिया, तुम्हारे जुगाड़ बिठा दिए। भाभी वहाँ रुक के आए, चलो हमारे साथ। जे तू अच्छा किया ले उतरे दामाजी, आम से अमचूर है गए, तुम इतने अचार डाल रही हो। अरे चलो जीजी ने उनको रोक के रखा है, चलो। अच्छा पर वो तो इतने आएंगे ना। अरे पिन वो तो उतरे बैठे है ना रास्ते के रोटे। पुष्पिंदर ये सपना दो दरवाजों के कारण हुआ है। तुम जाके वो दरवाजे बंद करो। पुष्पिंदर तुम अकेले कैसे बैठे हो? पहले का है जय, का है, का है जय? है मोड़ी। ए इक्का का लंगोट है ये, चार साल से जय बुन रही हो। ए मोड़ा। अरे बेटा एनी को सुनो। एनी अब जब पंचायत को समय नहीं है समझी? अरे अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? संभालो अपने आप, जोर से सुनो सुनो। तुम हमें काम करते हैं, आगे के दरवाजे से चलते हैं। ये दरवाजे से चलो 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 पुष्पिंदर। Thank you.
जब छोड़ के चले गए तो वापस क्यों आए? हम इमोशनल आदमी है ना, सुहागरात ना मनाए कैसे जाएंगे? किधर है? कितने? अरे कितने? अरे कहाँ मिल गए?